तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उज्जैन महाकाल के दर पर सीएम धामी नंदी के कान में कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश की सीधी तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उज्जैन मंदिर में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और अभी फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें नंदी के कान में कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कान में बोलने से बात भगवान शिव तक पहुंचती और मनोकामना पूरी होती है और इसी के साथ जो वहां पर लोग हैं उन्होंने पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी किया है, मंदिर भेंट किया है, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ तो मैं कुछ पहले से ही आता रहा हूँ, आज भी दर्शन किए हैं और जब भगवान की उनकी इच्छा हुई उनका आशीर्वाद हुआ तो यहाँ पहुँचा हूँ और हमने पूरे प्रदेश के लिए हमारे सुख शांति के लिए तरक्की के लिए उनके लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ अभी हमारा चुनाव भी समाप्त हुआ है, चुनाव पूरा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में प्रचंड भाजपा की सरकार आई है और उनके नेतृत्व में हमारा भारत विश्वगुरु बन रहा है, उत्तराखंड हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आने वाले जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान महाकालेश्वर से सभी देवताओं से सभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय ये हम सबके लिए अच्छा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा देश बढ़े। मुख्यमंत्री आपने कोई सीट तय की है कि कहाँ से लड़ने वाले हैं? ये अभी बहुत सारी सीटों का है जहाँ पर ठीक होगा और पार्टी का हमारा केंद्रीय तय करता है। कांग्रेस के 11 विधायक जो है बीजेपी में शामिल होने वाले, उसको लेकर क्या अभी देखिए आगे होता है क्या। सर दिग्विजय सिंह जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो है ट्वीट कर रहे हैं, गलत ट्वीट करने को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्या कहना है सर इस तरह की वो जिस तरह से यहाँ पर वो देखिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता हमेशा से केवल एक ही बात करते रहे हैं, हमेशा तुष्टिकरण की बात उन्होंने की है, हमेशा उन्होंने देश में जब हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है, वोटों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। आज भी जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, हर जगह समाप्त हो रही है, पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे जो महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, उन्होंने उत्तराखंड के विकास की बात की, उन्होंने ये कहा कि भगवान भोलेनाथ से उन्होंने प्रार्थना की है कि उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़े, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे इस बात को लेकर वो मुस्कुराते हुए नजर आए, कुछ भी कहने से वो बचते हुए नजर आए और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी उन्होंने हमला किया है। तो पुष्कर सिंह धामी इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर में उज्जैन पहुंचे हुए मध्य प्रदेश के, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आग लग गई है, पार्क के बिजरानी पर्यटन जोन एरिया में ये आग लगी है। आग से इलाके में हल्का पहुंचा है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर, रामनगर जिम कॉर्बेट के पार्क में यह आग लगी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह से आग भयानक रूप इस वक्त आप देख रहे हैं, मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। सबसे पहले आप न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह तस्वीर देख रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में यह आग लगी है, जहां पर पार्क के बिजरानी पर्यटन जोन जो एरिया है वहां पर यह आग लगी थी। आप देख सकते हैं आग लगी हुई है और फिलहाल अच्छी खबर, रात भरी खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया और आग लगने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। बिजरानी पर्यटन जोन एरिया में यह आग लगी है। वहीं कन्नौज से बड़ी खबर है, जो एसपी नेता रजनीकांत यादव के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है, ग्राम पंचायत की जमीन